नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट सेल्स के बारे में, उसके लेवल्स और टारगेट्स को जानेंगे और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन स्टॉक्स में, वो है हमारा बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। पिछले एक महीने से आप बजाज फाइनेंस में एक नया से नया रिकॉर्ड बनते हुए देखे होंगे, कई सारे मूविंग एवरेज को ये ब्रेक कर चुका है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में इसके लेवल्स और टारगेट के बारे में और क्या स्ट्रेटेजी इसमें आपकी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये है बजाज फाइनेंस का चार्ट। इसका जो 200 डे का मूविंग एवरेज है वो 3299, और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्लोज हुआ है वो 3314 रुपीज के प्राइस पर क्लोज हुआ है। यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं। तो ये सारे मूविंग एवरेज, 200 डे के मूविंग एवरेज को, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है EMA है, उसको ब्रेकआउट कर चुका है। उसके बाद ये जो देख सकते हैं आप, ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारा 100 डे का मूविंग एवरेज, उसके बाद ये जो नीचे का येलो लाइन है ये है हमारा 50 डे का मूविंग एवरेज, और ये हमारा ब्लू लाइन है 20 डे का मूविंग एवरेज। तो सारे मूविंग एवरेज को ये ब्रेक कर चुका है और ये 200 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है। तो समझ सकते हैं आप कितना बेहतरीन स्टॉक्स है ये। इसमें जो गिरावट आया था यहाँ से 1800 के आसपास ही स्टॉक्स मिल रहा था, वहाँ से देख सकते हैं आप इसमें जब ब्रेकआउट आया तो एक बार ये यहाँ पर 2300 के आसपास ऊपर नीचे साइडवेज, जिसको साइडवेज मोमेंटम कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रुका, फिर यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर 3100 के आसपास थोड़ा सा गिरावट आया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो ये 3400 के आसपास जा चुका था। तो इतना तेज मोमेंटम इसमें देखने मिला है। तो ऐसे स्टॉक में अगर एक बार फिर से मोमेंटम पकड़ता है तो इसका जो अगला टारगेट होगा वो होगा 3600, और अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो पहला रेसिस्टेंस होगा 3000, जो कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस का आप रिपोर्ट देखे होंगे। तो इसका 3000 जो है वो मतलब टारगेट दिया गया है कि ये 3000 के पास साइडवेज मतलब ऊपर नीचे ट्रेड करेगा। अगर यहाँ से 3000 को ब्रेक करता है, 3000 को ब्रेक करता है तो निश्चित है कि ये जो स्टॉक है आपको ये 2400 के आसपास दूसरा रेसिस्टेंस इसका बनता है। तो 2400 इसको ब्रेक करता है तो फिर तो मार्केट में ये तभी ब्रेकआउट होगा, मतलब ये लेवल को, ये सपोर्ट को तभी ब्रेक करेगा जब मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आए, मार्केट में गिरावट आए, तभी ये 2400 के सपोर्ट को ब्रेक करेगा। तो पहला सपोर्ट हो गया हमारा 3000, दूसरा सपोर्ट हो गया हमारा 2400, और उसके बाद जो तीसरा सपोर्ट बनता है 2000। अगर 2000 के पास कभी भी आपको ये स्टॉक मिलता है तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें, वो भी जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है फाइनेंस सेक्टर का लीडर स्टॉक है। और बजाज ग्रुप, आप कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बहुत जगह आपको जो EMI का ऑप्शन मिलेगा उसमें बजाज फाइनेंस आपको मिलेगा। तो ये जो स्टॉक्स है ये अपने सेक्टर का हीरो स्टॉक्स है, हीरो जिसको लीडर कहते हैं, हीरो जो लीड करता है वो स्टॉक्स है। तो जहाँ भी आप EMI लेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में, बहुत जगह आपको बजाज फाइनेंस दिख जाएंगे। तो आपने इसके लेवल्स और टारगेट को जान लिया, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जैसे गिरावट में आपको 2400 से जैसे नीचे मिलता है तो आप इसमें SIP मोड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप स्ट्रेटेजी नहीं बताते हैं। स्ट्रेटेजी आपकी यही होनी चाहिए, गिरावट आता है तो 2400 के नीचे तो आप इसमें SIP स्टार्ट करेंगे। जैसे 10 शेयर बाय करना है तो 2 शेयर का SIP होना चाहिए, पहला 2400 के आसपास, फिर नीचे आता है जैसे जैसे, तो वैसे वैसे आपको बाइंग करते रहनी है SIP मोड में, ताकि आपका जो एवरेज प्राइस हो वो काफ़ी नीचे आ जाए। क्योंकि यहाँ से जैसे गिरावट आती है, अगर मार्केट फिर से वहाँ तेज़ी दिखाता है तो फिर से इस स्टॉक में भी तेज़ी आएगा। आप मार्केट के साथ ये स्टॉक चलता है तो मार्केट को आप वॉच करते रहें, मार्केट में करेक्शन आता है तो ही इस स्टॉक में भी करेक्शन आएगा। अब इसका रिजल्ट कैसा आता है, जैसे रिजल्ट आएगा तो हम आपको रिजल्ट के अनुसार इसका लेवल्स और टारगेट्स क्या होता है वो ज़रूर बताएंगे। तो जो पैंडमिक सिचुएशन, उसमें आपने देखा एवेन्यू सुपरमार्केट रिजल्ट काफ़ी इफेक्टेड हुआ, तो उस तरह के कई सारे लीडर स्टॉक है जिस पे रिजल्ट जो है काफ़ी प्रभावित करेगा उसे। तो जैसे इसका रिजल्ट आएगा हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके रिटर्न के बारे में। तो आप 1 डे का रिटर्न देखेंगे तो अभी देखते हैं, पिछले दिन ये हमारे जिस प्राइस पर ओपन हुआ लगभग उसी प्राइस पर क्लोज हो गया। 1 वीक में देखेंगे तो 1 वीक में बजाज फाइनेंस 12% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, 1 मंथ में
41% का रिटर्न देख सकते हैं, 41%। वन ईयर में बात करेंगे तो वन ईयर में अभी भी ये डाउन है 1.87%, 1.87 अभी भी वन ईयर, मतलब वन ईयर पहले जो भी इन्वेस्ट किया होगा अभी भी वो थोड़ा सा लॉस में है 2% के आसपास। लेकिन जो भी 5000 के ऊपर इन्वेस्ट किए होंगे वो पूरी तरह से इसमें ट्रैप हैं, तो उनके लिए क्या है, वेट एंड वॉच, अपने करेक्शन का वेट करें, अपने मतलब स्टॉक के तेज़ी का। निश्चित है कि स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में आपका जो कैपिटल है उसे निश्चित है सेव कर देगा, क्योंकि इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि आप इसे लॉस में कभी ना बेचें। जहाँ पे भी ट्रैप हुए तो आप इसमें वेट एंड वॉच करें, तो पहले तो इसमें ट्रैप होने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा इसमें करेक्शन का वेट करें, जब करेक्शन आएगा तब बाइंग करेंगे। कभी भी आप हायर लेवल में बाइंग करने की कोशिश ना करें, अगर करेक्शन पे मिलता है तब बाइंग करें। ऐसे स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म के लिए, आप किसी भी प्राइस पर अगर ट्रैप होते हैं तो कभी भी लॉस इसमें बुक ना करें, क्योंकि ये स्टॉक्स आपका जो प्राइस है उसको रिकवर करके अवश्य देगा लॉन्ग टर्म में। वहीं हम बात करें 5 ईयर्स में, तो 5 ईयर्स का रिटर्न देख लेते हैं, 5 ईयर्स में देख सकते हैं 550% का रिटर्न। उसके बाद मैक्सिमम ईयर में बात करें तो 73,000% का रिटर्न देख सकते हैं, 73,000% का रिटर्न। ये भी इस गिरावट के बाद, अगर आप इसके जो पीक वैल्यू है इस स्टॉक का वहाँ पर बात करें तो देखते हैं यहाँ पीक वैल्यू पर तो 1,42% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। अगर कोई यहाँ पर जो 4,000 मतलब फरवरी में प्रॉफिट कोई बुक कर लेता 4,800 के आसपास, तो उसे 1,00,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न प्राप्त होता। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के लिए। अब हम इसके दूसरे स्टॉक के बारे में बात करेंगे। ये सारे चार्ट हम जीरोधा में देखते हैं। जीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके देता है। इसका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मात्र ₹20 पर चार्ज इंटरडे में लगता है, डिलीवरी में आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाइए, अकाउंट ओपन कीजिए और स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक है बजाज फिनसर्व। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों बेहतरीन कंपनी है। बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस की पैरेंट कंपनी है, तो ये भी बेहतरीन स्टॉक्स है। अभी इस स्टॉक में 200 डे का जो EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसका ब्रेकआउट होना बाकी है। तो ये देखते हैं अभी जो इसका 200 डे का मूविंग एवरेज है वो 7,053 रुपीज़ है, तो उसका ब्रेकआउट होना अभी बाकी है। ये स्टॉक्स अभी क्लोज हुआ है 6,483 रुपीज़ पर, 6,483 रुपीज़ पर। तो यहाँ से अगर ये मोमेंटम दिखाता है तो निश्चित है कि 200 डे का जो मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको पास जाके क्लोज होगा या तो उसको ब्रेकआउट कर सकता है। ज़्यादातर चांसेस है कि ये इसके आसपास अगला ब्रेकआउट में पहुँच जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं इससे पहले जो ये ब्रेकआउट दिया 6,000 के आसपास से, उससे पहले जो ब्रेकआउट दिया वो था 5,000 के आसपास से, 5,000 से जो ब्रेकआउट दिया यहाँ से डायरेक्ट ये देखते हैं 6,400 के आसपास पहुँच गया था 5,000 से, जब ये ब्रेकआउट दिया था वहाँ से थोड़ा करेक्शन आया, फिर से वहाँ से इसमें तेज़ी आया। तो अब ये 6,400 के आसपास ऊपर नीचे कर रहा है, तो यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो अगला टारगेट क्या होगा, 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको ब्रेकआउट करना। अगर इसमें गिरावट आती है, गिरावट तभी आएगी जब मार्केट में गिरावट आएगी, तो अगर इसमें गिरावट आती है तो पहला तो इसका जो सपोर्ट होगा 6,000 होगा, दूसरा जो सपोर्ट होगा यहाँ पर वो होगा हमारा 5,000। अगर ये दूसरे सपोर्ट को भी ब्रेक करता है तो निश्चित है कि ये स्टॉक्स आपको 4,500 के आसपास दिखाई देगा। तो 4,500 इसका जो लास्ट सपोर्ट है, उस सपोर्ट को ये बहुत ही कम बार ब्रेक किया है, बहुत ही रेयर केस हुआ है जब ये अपने उस सपोर्ट को ब्रेक किया है 4,500 को। 4,500 इसका सबसे मेजर सपोर्ट है, और उसका ऊपर का जो रेसिस्टेंस है वो 7,000 अगला रेसिस्टेंस है। अभी यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो 7,000 इसका अगला रेसिस्टेंस होगा, जहाँ पर कि ये 200 डे का जो एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक करेगा। अब हम इसके रिटर्न को देख लेते हैं। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म में रिटर्न है, तो वन डे में देखिएगा तो लगभग फ्लैट रहा है, वन वीक में देखते हैं तो वन वीक में बजाज फिनसर्व 5.71% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, और वन मंथ में 26% का। वन ईयर में बात कीजिएगा तो वन ईयर में देख सकते हैं अभी भी ये निगेटिव में 16% रिटर्न दे रहा है। वन ईयर पहले जो भी इन्वेस्ट किए होंगे -16% का रिटर्न। फाइव ईयर्स में देखते हैं
तो 5 ईयर्स में देखते हैं 275% का रिटर्न, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। मैक्सिमम ईयर में बात करें 1196% का रिटर्न, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो काफ़ी बेहतरीन ये स्टॉक्स है। जैसे गिरावट में आपको मिलता है तो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जैसे ये आपको 5000 के आसपास आता है तो आप इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपको 10 स्टॉक आपको बाय करना है तो 5000 पर आप पहला SIP करेंगे, मतलब 10 में से एक स्टॉक बाय कर लिए। फिर जैसे नीचे आता है थोड़ा सा करेक्शन, दूसरा स्टॉक बाय करेंगे। उसी तरह 4500 आता है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना जो SIP का जो स्टॉक्स है उसका नंबर बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा बाय कर सकते हैं। 4500 के नीचे बहुत ही कम इसके आने की संभावना है, क्योंकि ये इसका सबसे मेजर सपोर्ट है। तो पहले तो ये नीचे तभी आएगा ये स्टॉक्स, मतलब 6000 को अपने पहले सपोर्ट को तभी ब्रेक करेगा नीचे जब मार्केट में करेक्शन आएगा या इसका रिजल्ट जो है काफ़ी इफेक्टेड हो, काफ़ी प्रभावित हो। तो दोनों बात पर आपको देखना है, मार्केट करेक्शन को और इसके रिजल्ट को, तो रिजल्ट पर क्या असर पड़ता है इस पैंडमिक का। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आप इसमें कैसे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बहुत क्वालिटी स्टॉक है फाइनेंस सेक्टर का। तो फाइनेंस सेक्टर के एक दोनों बहुत ही क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। इसके साथ साथ आपको फाइनेंस सेक्टर के कौन से स्टॉक में बाय करना चाहिए, मतलब इन्वेस्ट करनी चाहिए जब भी मार्केट में गिरावट आता है, तो आगे के वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे। जो क्वालिटी के स्टॉक्स हैं जो फाइनेंस सेक्टर के, उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से क्वालिटी के स्टॉक्स हैं फाइनेंस सेक्टर के जिसमें आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए जब भी मार्केट में कभी गिरावट आती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।